नजरों में बसाकर, बाहों में समेटकर, I love you, Vindhya. हम पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा. नहीं करना चाहिए था. अब चल तो पाओगी नहीं तुम. चलो उठा लेते. अब रुकिए, हम खुद चल लेंगे. कीचड़ में गिरे, चोट नहीं लगी हमें. तुम ना ये बात बात पे आत्मनिर्भर बन के मत दिखाया करो हमें. समझ गई ना? उठाने दो हमें. दूर रहिए हमसे. क्यों रहे दूर? पति हैं हम तुम्हारे, पास रहने का हक है हमारा. आप बिंदिया का असली चेहरा आया सबके सामने. पायल ने चली नई चाल. तो हमने देखा ना किस तरीके से जो शुक्ला परिवार है उसको जेल में बंद कर दिया है और बिंदिया ने उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन का केस लगाया है. उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए हैं, बहुत गलत भी बोला है उनको. मतलब अचानक से ना बिंदिया का एक अलग ही रूप आ गया. हमने वैसे पिछले एपिसोड्स में देखा था किस तरीके से यहाँ पर जो कृष होता है वो बिंदिया को पहाड़ों के ऊपर से फेंक देता है और शायद बिंदिया की मौत हो जाती है. आपके कपड़े भी खराब हो जाएंगे, बस इसलिए कह रहे. अब चलिए. ओ, हमारे दिल में यहाँ प्यार की तितलियां उड़ रही है और इसे कपड़े खराब होने की पड़ी. हो सकता है बिंदिया की मौत हो गई हो, लेकिन भाई जिस तरीके से यहाँ पर बिंदिया की दोबारा एंट्री हुई है और वो कौन है फिर जो सब लोगों को जेल में बंद करा रही है, अरेस्ट करा रही है और फिर पायल की भी एंट्री हो रही है, तो हो सकता है ये सारी चीजें ना पायल का कुछ नया खेल हो. पायल शायद किसी का चेहरा बदल कर वो लेकर आई हो बिंदिया को, क्योंकि बिंदिया तो ऐसी थी नहीं यहाँ पर. जिस तरीके से बिंदिया को दिखाया गया है, बिंदिया तो भाई कभी भी कृष को और शुक्ला परिवार को जेल में बंद ही नहीं करा सकती थी. यहाँ पर ना पायल एक नया प्लान चलती है. पायल कहती है कि भाई मैं तो जेल में बंद हूँ और इन सब लोगों को भी आप रिहा कराओ और सारे लोग ना जेल से बाहर आ जाते हैं, सबको बेल मिल जाती है. और यहाँ पर अब जो पायल है ना उससे सब लोग थोड़ा इमोशनली टच हो गए, क्योंकि सब लोगों को उसने जेल से बाहर कराया है, बेल कराई है, कृष को भी कराई है. तो यहाँ पर अब जो पायल है ना वो हाथ जोड़ के कृष से माफी भी मांगती है, घर वालों से माफी मांगती है और दोबारा से पायल फिर आ जाएगी शुक्ला परिवार में एंट्री.